प्रदेश भर में पंचायतों में निर्माण कार्यों की निगरानी रखने वाले कर्मचारियों के सामने बच्चों का पेट भरने का गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। 5 माह से वेतन का इंतजार कर रहे पंचायत तकनीकी सहायकों को अब रिश्तेदार भी कर्ज देने को तैयार नहीं है। ऐसे में परिवार का पेट पालना व बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो चुका है। 1000 कर्मचारी ऐसे हैं जो रोजाना गांव में हो रहे विकास कार्यों पर नजर रखने के लिए फील्ड पर निकलते हैं। मनरेगा के तहत हो रहे विकास कार्यों के अलावा पंचायतों में होने वाले कार्य भी तकनीकी सहायकों के सुपुर्द हैं। प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के ये कर्मी गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। तकनीकी सहायक 2 श्रेणियों के तहत निर्धारित मानदेय व नियमित वेतन मान पर सेवाएं प्रदान करते हैं। विधानसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता के कारण वेतन का मामला भी विभाग की ओर से सरकार के समक्ष उठाया नहीं जा सकता था। वेतन मिलने का इंतजार करने वाले तकनीकी सहायकों में 1081 कर्मचारी हैं। वेतन न मिलने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत मटेरियल कॉम्पोनेंट के तहत राज्य सरकार को धनराशि जारी नहीं की है। परिणाम स्वरूप वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो गई है। निश्चित मानदेय प्राप्त करने वाले तकनीकी सहायकों को 7800 रुपए मिलते हैं और नियमित तकनीकी सहायकों को 18000 रुपए मासिक वेतन का प्रावधान है। इनके वेतन के लिए हर माह 50 लाख रुपए चाहिए। ऐसे में अब उन्हें वेतन देने के लिए सरकार को 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। नियमित हुए मगर वेतन नहीं। 1-1.5 माह पहले सरकार ने कुछ श्रेणियों के करीब 500 तकनीकी सहायक नियमित किए थे। नियमित होने वाले तकनीकी सहायक हो या दूसरी दर्जा प्राप्त, किसी को भी वेतन नसीब नहीं हुआ है। विभाग ने वेतन संबंधी फाइल सरकार से मंजूरी लेने के लिए सचिवालय भेजी है। इसके तहत महकमे ने 3 करोड़ रुपए की मांग की है ताकि सभी तकनीकी सहायकों को वेतन का भुगतान किया जा सके। राज्य सरकार अपने हिस्से का 10% हिस्सा जारी करेगी। वेतन संबंधी समस्या सामने आई है। तकनीकी सहायकों का वेतन केंद्र सरकार से मनरेगा के तहत मटेरियल कंपोनेंट के तहत दिया जाता है। इसके पीछे कारण यह था कि केंद्र सरकार से मटेरियल कंपोनेंट के तहत पैसा नहीं आया। तकनीकी सहायकों का वेतन इसी माध्यम से जारी होता है। तकनीकी सहायकों को वेतन न मिलने का मामला प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ उठाया गया और उम्मीद है कि सरकार से पैसा मिलते ही 2-3 दिनों में वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। तकनीकी सहायक जो जिला कांगड़ा के हैं, ये जिला कांगड़ा की ही समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश में जो तकनीकी सहायक है उन सबका ये 2-3 महीने से जो इनका मानदेय मिलता है इनको, जो मनरेगा के मटेरियल के कंपोनेंट से एफटीओ के द्वारा ब्लॉक द्वारा जो एफटीओ लगाया जाता है उसके माध्यम से इनको उपलब्ध होता है, तो पिछले 2-3 महीने से मनरेगा के मटेरियल का पैसा जो है वो स्टेट में उपलब्ध ना हो पाने के कारण इनको अभी तक पिछले 2-3 महीनों की सैलरी या मानदेय नहीं मिल पाया है। लेकिन जब हमने ये बात अपने प्रदेश स्तर पे अधिकारियों के ध्यान में लाई थी तो प्रदेश स्तर के अधिकारियों के प्रयासों से मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये पैसा इनको भी मिलने वाला है। थैंक यू सर। वहीं इस संदर्भ में पंचायत तकनीकी सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश कुमार शर्मा का कहना है कि तकनीकी सहायक को मनरेगा के तहत मटेरियल कंपोनेंट से वेतन दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सरकार से तकनीकी सहायकों को मटेरियल कंपोनेंट के बजाय विभागीय कंपोनेंट से वेतन देने की मांग उठाई है, क्योंकि तकनीकी सहायक प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं और वह मनरेगा के अतिरिक्त अन्य विकास कार्य भी करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो तकनीकी सहायकों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। भुवनेश ने कहा कि यदि उन्हें जल्द वेतन न मिला तो तकनीकी सहायक न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हम लोग पंचायत तकनीकी सहायक, ये जो हमारा शोषण हो रहा है हम इसके खिलाफ हैं। हमारे पूरे राज्य में कहीं 5 कहीं 6 महीने हो गए हैं हमारे तकनीकी सहायकों को, लगभग 1184 तकनीकी सहायक हैं, उनको वेतन के लाले पड़े हुए हैं। हमारी दिवाली फीकी गई है, हमारा दशहरा फीका गया है, हम परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया, हमें राशन की मुश्किल है, हमारे बच्चों की 3-3, 4-4 महीने की फीसिस नहीं दी गई है, हमारी जिंदगी बद से बदतर हो गई और सरकार हमसे काम पे काम लिए जा रही है। और हमारी सरकार से गुहार है, जब सरकार ने हमें कमिट किया था कि हम आपको मनरेगा से पैसा आ रहा है तो उससे तनख्वाह देंगे, आपको कभी भी तनख्वाह की दिक्कत आएगी तो हम राज्य सरकार उसका कहीं बेयर करेगी, उसको हमें वेतन देगी। लेकिन आज जब 5-6 महीने हो गए हैं तो हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही है, हमें वेतन नहीं मिल रहा है,
और हम ये सरकार से ये कहते हैं कि जब नरेगा 5, 6 और 7 और 8 में यहाँ पे कार्यान्वित हुई है, लेकिन हम 2001 से लगे हैं, हम मनरेगा से क्यों जोड़ा जा रहा है? हम मनरेगा के अतिरिक्त भी कई मधुओं के काम करते हैं, जैसे विधायक निधि हो गया, जिला परिषद हो गया, सांसद निधि हो गया, समिति हो गया, सभा फंड हो गया, फोर्टिन फाइनेंस का कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। और हम सरकार के हर कार्य को समय पर पूरा कर रहे हैं और गुणात्मक तरीके से कर रहे हैं, नियमानुसार करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है और हमारे परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। इसके लिए हम अभी हम विभाग से बात कर चुके हैं, कई बार उनको लिख के दे चुके हैं, लेकिन अगर सरकार ने कुछ जल्दी नहीं किया, विभाग ने कुछ जल्दी नहीं किया, तो हम न्यायालय का दरवाजा कटाएंगे और हम सड़कों पर उतरने के लामबंद हैं। थैंक यू, धन्यवाद जी।